तो इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के डेमिनेशन कार्ड के त्रुटि सुधार के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जिनका भी अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे मैंने इतने सारे छात्रों का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उन्हें प्रोवाइड किया है, क्या वो तरीका है, मैं कौन सा तरीका यूज कर सकता हूँ, आप कौन सा वो तरीका यूज करके अपना खुद से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में एक एक पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करें, और किस किस टाइम पे आपका बिहार बोर्ड का ऑनलाइन हो जाता है डमी एडमिट कार्ड, कब कब आप खोल सकते हैं जिससे कि आपका जल्द से जल्द खुले, वो भी टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बनेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और एक लाइक जरूर दें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको तो पहले सीनियर सेकेंडरी पर जाना होता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे वो एक्टिव नहीं रह पाता, इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि आप क्लिक कर रहे होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी सर्विस अनअवेलेबल है। तो कौन सा वो टाइम है जिस पे आप ये जाके यहाँ पे सही कर सकते हो? तो नॉर्मली दोस्तों देखा जाए तो 12 से 3 बजे तक का टाइम एक स्लॉट वो हुआ, एक स्लॉट आपका होता है कि एक से लगभग आपका 10 से लेके 1 बजे तक रात में रहता है खुला। और दोस्तों यदि बहुत सारा क्या हो रहा है कि स्लॉट खुला है लेकिन बहुत सारे छात्रों का तब भी डाउनलोड नहीं पड़ता, वो क्या वो रीज़न है? तो दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 3 डॉट है, यहाँ से आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो में जाके आपके फ़ोन में भी वहाँ पे 3 डॉट होगा, उसमें आप जाके यदि आप प्रयास कर रहे हैं खोलने का डमी एडमिट कार्ड का भी, तो आपका बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और जितने भी छात्र को आप मैंने डाउनलोड करके दिया, लगभग 100 से ऊपर छात्रों का मैंने इससे करके डाउनलोड करके उनको इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे उनको मैंने डायरेक्टली लिंक दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों का भी नहीं हो पाया है डाउनलोड, ये देखिए जैसा इन छात्रों का हमने दिया है। तो ड्राइव का लिंक हमने दिया है इनको, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि ड्राइव का लिंक से तुरंत उन्होंने क्लिक किया, हमने डाउनलोड करके अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, और 2 से 3 सेकेंड मुश्किल से दोस्तों लगेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा अपलोड हो जाएगा ये। तो देख सकते हैं जैसा कि सामने आपके अपलोड होके आ चुका है इनका, हमने जितने भी छात्र जहां तक पॉसिबल हो पाया है हमने सबका कमेंट करके उनको लिंक दिया है। हो सकता है किसी त्रुटि के कारण अभी कई छात्रों का नहीं खुल रहा हो या फिर कईयों का हम मैसेज नहीं सीन कर पाए हों, लेकिन आप टेंशन ना लें, जैसे ही हमें समय मिलता हम आपका जरूर डमी एडमिट कार्ड आपको प्रदान कराएंगे, और त्रुटि सुधार के लिए आपको आवश्यक सूचना मैं देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का सर्कुलर जारी किया था, तो मैं शुरू का लाइन्स पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा कि 28 से 5 तारीख तक है, और जिन्होंने नहीं भरा वो 26 से 1 तारीख तक जो भरेंगे उनका 6 तारीख से अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो नीचे में बिहार बोर्ड ने कोई इसके देखिए, विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं अपनी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर उसमें अंकित विवरण का मिलान करेंगे, उनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित किसी विवरण में त्रुटि तो नहीं। यदि किसी विद्यार्थियों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में उनका नाम, माता पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, लिंग, विषय आदि के कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार अपने विद्यालय प्रधान के माध्यम से करा सकते हो। तो आपको दोस्तों यदि कोई भी त्रुटि है आपके डमी एडमिट कार्ड में तो आप विद्यालय प्रधान से एक बार जरूर संपर्क करें कि कब तक लास्ट डेट है, क्या है नहीं है, तो उसी हिसाब से आप दोस्तों स्टेप उठाएं ताकि आपका त्रुटि सुधार में देरी ना हो, और या फिर आपका त्रुटि का सेम टू सेम ना रह जाए। तो उसके लिए आप जल्द से जल्द, यदि आपका डाउनलोड का नहीं डाउनलोड हुआ है दोस्तों, तो आप आज फिर से ट्राई करिएगा, 11 से 12 के बीच में नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट करके अपना रोल नंबर आप जरूर दें, यदि हमें टाइम मिलता है। बहुत सारे क्योंकि छात्रों ने हमें मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, तो वहाँ से भी हम आपको डाउनलोड करके आपका लिंक जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप प्रयास कर सकते हैं। और जिन छात्रों ने हमें अपना डमी एडमिट कार्ड का डिटेल्स दिया था उनका डाउनलोड करके हमने उन्हें प्रोवाइड किया, उनका मैं आपको थोड़ा प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे फेक यूट्यूबर्स आपसे कमेंट करवा देते हैं, डिटेल्स को डाउनलोड करके नहीं देते, तो हम वो नहीं करें। जहाँ तक हमसे हो पा रहे हो सकते हैं छात्र का भूल बस नहीं हो पा रहा हो या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको प्रूफ अभी दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, इन छात्रों ने मनीष कुमार हुए, ये विशाल कुमार करके हैं, और आर्यन कुमार, और बहुत सारे छात्रों ने हमें अपना डायरेक्टली लिंक दिया था तो उनका हमने डाउनलोड करके उनको प्रोवाइड कर दिया। आप भी यदि चाहते हैं तो आप भी कमेंट करें, अगर हमसे जितना संभव हो सकता है उतना सारे स्टूडेंट का हम डाउनलोड करके देंगे, नहीं हो पाता है तो हम उन्हें प्रोसेस बताएंगे फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।